सोने भी नहीं देती है ठीक से। असल में ये दोनों बत्तख आई है यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए। तो यार मेरा शक सही निकला, देख सकते हैं आप लोग, इसके पैदा होने के कुछ देर बाद ही वो ब्लैक वाला भी अभी अभी जन्म लिया। हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोग को, और सुबह सुबह देखिए परेशान कर रही है, सोने भी नहीं देती है ठीक से। बत्तख बहुत चिल्ला रहे हैं बाहर, चले चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। असल में ये दोनों बत्तख आई है यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे ढक के रखे हैं इसके पार्टनर को, इसको खोल देंगे फिर जाएगी सब। वो दो ठो दूसरे घर का बत्तख और सफ़ेद वाला हम लोग का है, और तो हर रोज आ जाते हैं यहीं पे सुबह सुबह इसको ले जाने के लिए। दोस्ती देख रहे हो भाई साहब इन सब की। तो यार आ गए हैं गाय चराने के लिए। बादल छाया हुआ है, मौसम हल्का हल्का अभी, क्या बोल रहे हैं, ठंडा उतना नहीं लग रहा, बादल हट जाएगा तो ठंडा लगेगा। और एक चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, नया मेहमान आया है। नया मेहमान कैसा है आप लोग बताइएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए न्यू बेबी गोट, अभी इसकी साफ सफाई चल रही है, उठने की कोशिश कर रही है पर नहीं उठ पा रही है। ये इसकी माँ है। हमको लगा था कि जुड़वा बच्चा पैदा होगा पर सिंगल ही पैदा हुआ। थोड़े देर में इसको घर लेके जाएंगे। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, घास छील रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे धान को ला के रखेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, बेबी गोट को ले जाएंगे घर। बहुत मेहनत का काम है ये वाला, इतना बड़ा एरिया में है। और वो पीछे वाला हम लोग छीले हैं, दो जगह हम लोग छीले हैं घास, दोनों जगह धान रखेंगे। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा। One week later. तो यार इस वीडियो को मैं एक सप्ताह बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिखाते हैं आप लोग को जो बकरी का बच्चे जो जन्म लिए थे वो कितने बड़े हो गए हैं। देखिए एक सप्ताह में इतने बढ़ गए हैं दोनों, और दोनों क्या बोलते हैं मेल ही है, फीमेल एक रहता तो अच्छा रहता।
यार आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।